जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में आया भारतीय टीम के गेंदबाज युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव समेत भुवनेश्वर कुमार का भयंकर तूफान, बीच मैदान पर करवाई ऐसी घातक गेंदबाजी की देखने के बाद आप भी रह जाओगे हैरान। तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार आज भारतीय टीम के गेंदबाजों ने कैसे जबरदस्त गेंदबाजी करवाकर श्रीलंकाई टीम के परखच्चे उड़ा दिए, उसी के बारे में। तो आप सभी इस खबर को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों यहां पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि बीच मैदान पर जब हार्दिक पांड्या करवा रहे थे गेंदबाजी, तो उस दौरान हुआ कुछ मैदान पर ऐसा कि देखने लायक था नजारा, देखने के बाद आपकी भी छूट जाएगी हंसी। तो दोस्तों आखिरकार हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करवाते करवाते ऐसा क्या किया था जिसके बाद श्रीलंकाई बल्लेबाज और साथ में भारतीय टीम के खिलाड़ी भी हंसने लगे। तो पूरी डिटेल जानकारी और ये वीडियो भी आपको दिखाएंगे और भी यहाँ पर हम आपको तमाम खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा। और वहीं दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको क्रिकेट जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां पर मेजबान श्रीलंका ने आज के इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां पर शुरुआत में जब श्रीलंका की टीम मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो श्रीलंका इतनी भयंकर बल्लेबाजी कर रही थी कि मानो भारतीय टीम के हाथों से मैच फिसलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन दोस्तों यहां पर भारतीय टीम के गेंदबाजों ने टीम की मैच में वापसी करवाई जिसके चलते ये मैच पूरा का पूरा ही पलट गया। दरअसल दोस्तों आज के इस मुकाबले में श्रीलंका की ओर से अविष्का फर्नांडो और विनोद भानु का मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जहां पर अविष्का फर्नांडो और विनोद भानु का काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों ही बल्लेबाज लगभग 10 ओवर खेल चुके थे। लेकिन दोस्तों 10वें ओवर की पहली ही गेंद पर अविष्का फर्नांडो जो की शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे वो 35 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुए और यहां पर उनका विकेट युजवेंद्र चहल ने मनीष पांडे के हाथों कैच आउट करवा कर लिया और यहां पर भारतीय टीम को पहली बड़ी सफलता मिली और इसी के साथ श्रीलंका की टीम को यहां पर पहला सबसे बड़ा झटका लगा था। हालांकि दोस्तों अविष्का फर्नांडो ने 32 गेंदों की पारी में 2 चौके और 1 छक्का लगाया था। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अविष्का फर्नांडो के बाद मैदान पर उतरे भानुका राजपक्षा, जहां पर भानुका राजपक्षा और विनोद ने मिलकर आज अच्छी बल्लेबाजी करी, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज मिलकर 1-1 रन बटोरते हुए नजर आए। लेकिन यहां पर भानुका राजपक्षा ने आज के इस मुकाबले में तूफानी रंग अपना पहले ही ओवर से दिखाना शुरू कर दिया। दरअसल दोस्तों जब भानुका मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे तो भानुका ने शुरुआत में आते से ही युजवेंद्र चहल की गेंद पर 1 छक्का लगा दिया था और इसी के साथ उन्होंने अपने इरादे पूरी तरीके से साफ कर दिए थे कि वो आज किस तरह की बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों भानुका राजपक्षा ने आज के इस मुकाबले में विनोद के साथ मिलकर काफी अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन यहां पर भानुका का विकेट कुलदीप यादव ने 17वें ओवर की पहली गेंद पर चटकाया, जहां पर कुलदीप यादव ने अपनी शानदार गुगली से उनको बहुत चक्का कर रख दिया और वो शिखर धवन के हाथों अपना कैच थमा बैठे, जहां पर भानुका राजपक्षा आज के इस मुकाबले में 22 गेंदों में मात्र 24 रन बनाकर ही आउट हुए और अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 2 चौके और 2 बड़े छक्के लगाए थे। हालांकि दोस्तों भानुका के आउट होने के बाद अभी भी मैदान पर टिके हुए थे विनोद भानुका। हालांकि दोस्तों विनोद भानुका को भी 17वें ओवर की ही 4थी गेंद पर कुलदीप यादव ने उनका विकेट चटका दिया और इसी के साथ श्रीलंका की टीम को ये थोड़ा सबसे बड़ा झटका दिया, जहां पर आज के इस मुकाबले में विनोद भानुका 44 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 27 रन बनाकर ही आउट हुए और यहां पर श्रीलंका की टीम को विनोद के रूप में तीसरा बड़ा झटका लगा, जहां पर 27 रन की पारी के दौरान विनोद भानुका ने 3 चौके ही लगाए थे और इसी के साथ श्रीलंका क्रिकेट टीम के 3 विकेट 89 रन के स्कोर पर ही गिर गए थे। हालांकि दोस्तों श्रीलंका के इन तीनों ही बल्लेबाजों ने काफी डटकर तो बल्लेबाजी शुरुआत में करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के आगे ये एक भी बल्लेबाज नहीं टिक पाया, जहां पर आज के इस मुकाबले में कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल से काफी शानदार गेंदबाजी देखने के लिए मिली। हालांकि दोस्तों यहां पर भुवनेश्वर कुमार, दीपक चार और हार्दिक पांड्या अपनी गेंदबाजी से इतना ज्यादा कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, जहां पर भुवनेश्वर कुमार अभी तक खबर बोले जाने तक काफी ज्यादा महंगे साबित हुए, 4 ओवर में उन्होंने 19 रन दे डाले। तो वहीं दूसरी तरफ दीपक चाहर भी 4 ओवर में ही 20 रन अपने दे चुके। तो वहीं दोस्तों धनंजय डी सिल्वा और चरित असलंका अभी भी मैदान पर टिके हुए श्रीलंका की तरफ से। बाकी आपकी क्या राय इनके बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में,
जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ बिना किसी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट ढाई सप्ताह से अधिक समय तक रहने के बाद भारत की सीमित ओवरों की टीम रविवार को आर प्रेमदास स्टेडियम में एक दिवसीय मैच खेलने के लिए उतरी, जहाँ श्रीलंका में एक वरिष्ठ राष्ट्रीय टीम के कोच के रूप में राहुल द्रविड़ के लिए पहले मैच का नतीजा क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। तो वहीं शिखर धवन की अगुवाई वाली भारतीय टीम में कुछ युवाओं को शामिल किया गया, जिसमें से कुछ ने भारत के लिए कुछ मैच तो खेले जबकि कुछ अन्य खिलाड़ियों का खेलना अभी भी बाकी है। और वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि पहला वनडे मुकाबला खेलने के लिए कम से कम भारत के 6 खिलाड़ी अनकैप्ड हैं, हालांकि उनके पास हाई प्रोफाइल इंडियन प्रीमियर लीग का अनुभव है। हालांकि ये सीमित ओवरों के अंतर्राष्ट्रीय मैचों का अंतिम सेट है जो कि भारत को अक्टूबर से नवंबर में T20 विश्व कप से पहले खेलने को नहीं चुन सकता क्योंकि टीम लगभग तय ही हो चुकी है। ऐसे में द्रविड़ द्वारा टीम को संभालना दिलचस्पी का विषय होगा। तो वही भारत के पूर्व बल्लेबाज राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी के निदेशक हैं और उन्हें युवाओं को संवारने का काम सौंपा गया है। तो वहीं उन्होंने विदेशी दौरे पर ए टीम के हिस्से के रूप में श्रीलंका में कई खिलाड़ियों के साथ यात्रा भी की है। तो वहीं दोस्तों द्रविड़ की बड़ी चुनौती ये होगी कि टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड में भारतीय टीम प्रबंधन के साथ उनका संवाद होगा, जहां पर कप्तान विराट कोहली और मुख्य कोच रवि शास्त्री जो T20 विश्व कप में टीम प्रबंधन में शामिल होंगे। तो वहीं राहुल द्रविड़ को मौजूदा टीम के विकास के बारे में सूचित करना होगा। अनुष्का गुणाथिलिका को इंग्लैंड दौरे के दौरान जैविक सुरक्षा वातावरण का उल्लंघन करने के लिए अनुशासनात्मक आधार पर निलंबित कर दिया गया। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि आज भारतीय टीम के सामने कड़ी चुनौती होगी, जहां पर अगर भारतीय टीम टॉस जीतती है तो वो इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करने की कोशिश करेगी। बाकी अब आपकी क्या राय है भारतीय टीम के बारे में और आपको क्या लगता है क्या भारतीय टीम इस सीरीज को जीत पाएगी या फिर नहीं, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, श्रीलंका के कप्तान दासुन सनाका ने बताया वो टीम इंडिया की किस कमी का उठा सकते हैं फायदा। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के नए कप्तान दासुन सनाका ने 3 मैचों की वनडे सीरीज से पहले कहा कि संघर्ष कर रही उनकी टीम और जीत की दावेदार भारतीय क्रिकेट टीम के बीच बराबरी का मुकाबला होगा क्योंकि मेहमान टीम में कई नए खिलाड़ी हैं। सनाका ने कहा कि इस वनडे सीरीज से पहले दोनों टीमें मजबूत हैं, भारतीय टीम में कई नए खिलाड़ी हैं, हम जानते हैं कि उन्होंने IPL खेला है लेकिन उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव नहीं है, ऐसे में दोनों ही टीमों के पास मौके सही चुनौतीपूर्ण होते हैं यह सब मायने रखता है लेकिन दिन के अंत में आपको एक टीम के रूप में प्रदर्शन करना होगा, यह हम सभी की मुख्य चिंता है। मुझे यकीन है कि हमारे लड़के इस बार अपने खेल पर जरूर ध्यान देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर काफी बड़ा बयान दिया दासुन सनाका ने, बाकी आपकी क्या राय इनके बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।